गाइस अभी चल रहा है मज़ेदार सा नाश्ता हमारा। मज़ेदार सा पुलाव रेडी है और बहुत यम्मी बना है। अलीशा की चूड़ियाँ देखें भाई, ये प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ पहनी हुई अलीशा ने। कोई भी इवेंट हो तो क्या करते हैं, बोले शॉपिंग करते हैं, बोले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे मौसम के साथ गुड मॉर्निंग, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नीचे बच्चे जा रहे हैं स्कूल और तैयारी कर रहे हैं स्कूल जाने की। और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मौसम एंजॉय कर रही हूँ। इतना मज़े का मौसम हो रहा है आज, धूप भी नहीं है और सर्दी भी नहीं है, मतलब बहुत मज़े का मौसम है आज ना। थोड़ी सी फॉग है और बस। कल तो ये पूरा मेरा नीचे का जो फ्लोर था ना, पूरा गीला हो रहा था, इतनी ज़्यादा ओस थी, ओस। चलें जी, बच्चे जा रहे हैं और मैं भी चलती हूँ अंदर। गाड़ी निकल चुकी है और हस्बैंड बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं। मैं समझी थी कि गाड़ी बाहर निकाल ली, मैंने देखी नहीं। मैंने बोल दिया अच्छा भाई मैं अंदर जा रही हूँ, बच्चों ने आवाज़ लगाई मम्मा अभी हम नहीं गए। मैंने कहा अच्छा, बच्चियाँ बोलती हैं मम्मा जब तक हम नहीं जाएं आप ना खड़ी रहा करें। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं खड़े होके फिर पढ़ती रहती हूँ बच्चों के लिए। अल्लाह हाफिज़। गाइस अभी चल रहा है मज़ेदार सा नाश्ता हमारा, और नाश्ते में आया है ये मेरे एग, जिसकी हाफ जर्दी ली है और हाफ नहीं, एग बॉयल और ब्राउन ब्रेड। ये ब्राउन है, इसमें आपको लग रही होगी वाइट, ये ब्राउन ब्रेड आ गई। और यहाँ पर आ गया मेरा कॉफ़ी, मेरी कॉफ़ी मतलब आधा दूध और आधा पानी, फिर उसमें कॉफ़ी बनाइए। अदरवाइज़ पहले मैं सिर्फ दूध में कॉफ़ी पीती थी। तो ये हो गया हमारा नाश्ता, और ये हो गया मेरे शहजादे का नाश्ता। ये आ गई मेरे अरशान की चाय, और ये आ गया मेरे अरशान का एग पराठा, जो कि हाफ़ से भी हाफ़ हो गया है नाश्ता अरशान का, अभी फिनिश होने वाला है। मोहम्मद अरशान सलाम कर दें सबको, रुक जाए मैं टॉर्च खोलूं। वालेकुम अस्सलाम भाई, सब सलाम का जवाब दे देना मेरे बेटे का। और अब ये खा लें, चाय पियो थोड़ी सी फिर ये खाएं। तो भाई हमारा चल रहा है नाश्ता, और मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और ज़रा देखें अभिषा आप अभी तक रेडी नहीं हुई हो, चूड़ियाँ दिखाओ अपनी। अभिषा चूड़ियाँ पहन कर आइए, इतनी सारी चूड़ियाँ पहनी है अभिषा ने, ये देखें ज़रा, वो भी मीने वाली, ऐसे करें ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ना अभिषा के हैंड। और एक ये चटकी हुई है, मम्मी से बोलना इसको उतार दें, चटकी हुई चूड़ियों को ना उतार देते हैं, सही है। और ये देखें अशलीना अपनी फ्रॉक तो दिखा दे, इतनी चमक 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 हो रही है। ये अशलीना की फ्रॉक है, आज अशलीना ने अपनी न्यू फ्रॉक पहनी है। और ये देखें नई फ्रॉक पहन के मैडम घर पे बैठी हुई है। इधर देखना काजल, देखें आंखों में एक मन का लगा हुआ है, मुंह धो लें जल्दी से जाके। मोहम्मद अरशान खा रहे हैं कपकेक, और यहाँ चल रहे हैं कार्टून। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना भी तो बता दूँ, एज़ यूजुअल नमाज़ पढ़ रही हूँ, और नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों को लगाऊंगी खाना, और बच्चे खाएंगे मज़ेदार सा, क्या बच्चे खाएंगे मज़ेदार सा खाना। तो भाई मिलते हैं कुछ देर बाद। गाइस बच्चे खा रहे हैं रोल, और रोल में मैंने क्या डाला है दिखाना ज़रा, रोल ये मैंने बोटी रोल बनाया बच्चों के लिए, और तीनों बच्चे खा रहे हैं मेरे बोटी रोल, और बहुत मज़े का है। और किचन में मैं क्या पका रही हूँ शाम के डिनर के लिए, क्योंकि मैं तो ये खाऊंगी नहीं बोटी रोल, और मैं तो खाऊंगी ये पॉरिज, मेरा ख़त्म हो गया था तो ये मैंने यहाँ से मंगवाया, अच्छा होता है। खैर मैं अभी मैं तो ये बना के खाऊंगी, और रात के डिनर के लिए बन रहा है मज़ेदार सा कबूली पुलाव, कबूली खिचड़ा खिचड़ी जो भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने चने की दाल बॉयल करके रख ली थी सुबह ही, क्योंकि मुझे पता था गैस चली जाएगी तो इसलिए। और यहाँ पर अभी बस मैं राइस को कर रही थी साफ, तो
मैंने कहा राइस साफ कर लूँ, इसमें सिर्फ ये निकलता है जो चावल छिलके वाले नहीं होते, धान भी बोलते हैं इसको, तो बस ये निकलता है। अभी प्याज थोड़ी सी जैसी और गोल्डन होती है तो फिर डाल देंगे टमाटर, हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें और अदरक लहसुन, बस ये सब कुछ डाल के हल्का सा इसको मसाले को भुनेंगे और तैयार हो जाएगा। तो फिर आप लोगों को मैं दिखा दूँगी कि कैसा बना है, कहीं नहीं जाना, साथ रहना है। गाइस मेरा लंच ये है, ये मैंने बनाया है पॉरिज, और मतलब इसको तलबीना भी कहते हैं, और ये मेरे पास दो ही फ्रूट रखे हुए थे, एप्पल और पोमग्रेनेट, तो मैंने ये डाल दिए। आपके पास और हो तो आप डाल सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर मैंने ये डाल ली, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बस इसको, इसमें मैंने डाला है हनी, तो बस उसी को मिक्स कर रही थी मैं, हनी को डालें तो डालें वरना नहीं डालें फीका खा लें, मीठी मीठा ये है ना, इसलिए जिस दिन मैं बनाना डालूंगी उस दिन हनी नहीं डालूंगी, क्योंकि बनाना मीठा होता है तो बनाने की मिठास काफ़ी रहेगी इसके लिए ना। ये पका के थोड़ा सा ठंडा कर लिया था, थोड़ा थोड़ा करके खाना है, ऐसा ना हो आप ज़्यादा बना लें और आपसे खाया ना जाए तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो चले जी ये खाते हैं और मिलते हैं खाने लंच करने के बाद। मज़ेदार सा पुलाव रेडी है और बहुत यम्मी बना है, ये देखें काफ़ी टाइम हो गया बने हुए इसको, और इसको बस इसको हल्का सा यूं ही मिक्स करूँगी, और अब रख रही हूँ मैं इसको गरम पे। रायते की तैयारी की हुई है, इसको बोलते हैं कबूली पुलाव पुलाव, और ये रायते के लिए मैंने दही को फेंट लिया है, इसके अंदर डाल दिया है नमक, और ये एक आ गया हरा धनिया और पुदीने की आइस क्यूब बनाकर मैंने रख दिया था। ये अलीशा सलाम करें, अलीशा की चूड़ियां देखें भाई, ये प्यारी प्यारी सी चूड़ियां पहनी हुई अलीशा ने। अभी हम लोग जा रहे हैं नानू के घर जा रहे हैं, और हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, तो बस शॉपिंग के लिए जी नहीं मुझे मैं जाऊंगी, हमें करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, तो बस शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं आपको तो पता है, जब बहन की कोई तकरीब होती है घर में तो शॉपिंग की जाती है, कज़न की कोई तकरीब होती है तो शॉपिंग की जाती है, बेटियों की या बेटों की बच्चों की कोई तकरीब होती है तो शॉपिंग की जाती है, अपने ही कोई तकरीब हो हमारी हस्बैंड वाइफ की तो शॉपिंग की जाती है, यानी कोई भी इवेंट हो तो क्या करते हैं, बोले शॉपिंग करते हैं, बोले। और वाइफ को अगर बीपी लो हो रहा हो तो क्या करते हैं, शॉपिंग, विटामिन शॉपिंग की कमी हो तो क्या करते हैं, शॉपिंग। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, तो आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इतने सारे नाम बताए हैं, बच्चों के लिए, मम्मा के लिए, पापा के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने लिए या कजन्स के लिए, किसकी इवेंट के लिए शॉपिंग हो रही है वो हम करेंगे, और फिर जो इवेंट होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बहुत ही मज़ेदार। अभी आगे आने वाले वक्तों में बहुत बहुत खुशियाँ आने वाली हैं इंशाल्लाह, मेरे कजन्स लोगों के घर में खुशियाँ आने वाली, हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, हर जगह खुशियाँ आने वाली हैं, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए, तो बस कहीं नहीं जाना, आप लोग मेरे साथ ही रहें। अरे इधर देखें, मेरी गाड़ी तो वो जा रही है।